और मैं इतना दूर छोड़ के गया था अपना बाइक और पार्सल, कोई अगर उठा के ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, तेरे को भरना पड़ जाएगा, रिस्क रहता है। बस मैडम पार्सल था, थोड़ा बाहर आइएगा। मैडम मैडम पार्सल था, थोड़ा बाहर आइएगा। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। फिलहाल दोस्तों जियाली कंपटीशन में तो मुनु हार चुकी है, ठीक है। अभी खाएंगे बिंगो, ठीक है। चलो खींचो खींचो, आधा फाड़ दिया हूँ, खींचो इसको, खींचो। एक साथ में बहुत सारा ले रहा हूँ। काफी देर इंतजार करने के बाद पैसा मिला। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम टू माइनिंग ब्लॉग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस और देखता हूँ आज की कहानी मेरी क्या होती है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और मैं आज भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज मेरे को इंजेक्शन लगने वाला है जो डॉगी काटा था कुछ दिन पहले, ठीक है। और भाई प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट और प्यार इसी तरह से देते रहिए। चलिए चलते हैं। दोस्तों ऑफिस आ गया था और देखता हूँ आज कितना पार्सल मिलता है, ठीक है। भरा भरा तो लग रहा है। जय भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ का दर्शन कर लिए। देखता हूँ कितना सारा मिलता है आज। भाई मेरे से रोज मिलता है और आज मेरे को बोल रहा है कि बहुत दिन बाद मिला। और भाई कैसे भैया, हमारे नाम भूल जाता हूँ पर चलो राजकुमार चलते हैं, चले। भाभी वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है, जल्दी से अपलोड हो जाएगा। मैं तो अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ और ये जो बड़ा सा पार्सल है इसको ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं और देख ही सकते हैं मैं अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ। काफ़ी बड़ा बड़ा पार्सल है और एक तो पार्सल मेरे कंधे पे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद निकलूंगा पार्सल बांटने और जितना जल्दी हो सकेगा तैयार करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को जाना है फूल उगाने के लिए, क्योंकि जल्दी ख़त्म होगा तभी जा पाऊँगा, तो फिर इधर टाइम बीत जाएगा। आप लोग बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है बाइक को। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। फिलहाल यहाँ का एक पार्सल लेके आया था तो कस्टमर बोल रहे हैं अभी नहीं लेंगे, पता नहीं क्या हो जाता है, ले आने के बाद बोलते हैं नहीं लेना है। और इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है पता है पार्सल देने के लिए, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं लेना है। गजब हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का एक पार्सल लेके आया था, ओटी वाला है, ठीक है। और यहाँ पर डॉगी बैठा हुआ है, अंदर तो जा नहीं सकता, यहीं चिल्ला देता हूँ। भैया ओ भैया, पार्सल था, अब पे हो गया, ओटीपी चाहिए था, ओटीपी मांग के लिए। हाँ ये बीना, बीना नाम से है, बीना कटलाया। हाँ जाके थोड़ा बोलो कि ओटीपी चाहिए था। हाँ चलिए दोस्तों, अभी बच्चे को पार्सल दे दिया हूँ, अभी ओटीपी मिल जाएगा फिर यहाँ का डिलीवर करूँगा। और ये वाला जो पार्सल है ना भाई लेके गया था तो कस्टमर बोलते हैं कि अभी नहीं लेना है, सुबह सुबह क्यों आ जाते हो लेकर। और मैं क्या बताऊँ कि मेरा काम ही सुबह स्टार्ट होता है, वो चीज़ नहीं समझते हैं कि सुबह ही मेरा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। जल्दी से ओटीपी ले लेता हूँ फिर जाऊँगा अगला स्टॉप पर। और यहाँ का डॉगी पता नहीं क्यों शांत बैठा हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, शांत नहीं बैठा हुआ है, आ रहा है दौड़ के। चलो एंजॉय करो। हाँ हाँ 2 मिनट रुक जाऊँगा, ठीक। भाई बोल रहा है 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के अंदर। और यहाँ पे अच्छा व्यवस्था किया गया है, पानी रखा जाता है, बाकी गाय बैल आके मस्त पानी पी सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का एक पार्सल लेके आया था, ठीक है। हे भगवान, ये तो ताला ही बंद है दोस्तों, देख ही सकते हैं यहाँ का पार्सल लेके आया था, ताला ही बंद है। वाटर का है, वो कैसे करूँ,
कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। मैडम पार्सल था, थोड़ा बाहर आइएगा। अरे घंटी बज नहीं रहा है, भौको यार भौको भौको, कौन सा भौकने की आवाज़ से कोई आ जाएंगे बाहर तो अच्छा रहेगा। भौको 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 भौको, ये भी नहीं भौक। मैडम पार्सल था, थोड़ा बाहर आइएगा। सुन नहीं रहा है, भारी दिक्कत हो गया। ऊपर से देखता हूँ कोई है क्या, शायद ऊपर में होंगे ना इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है आवाज। कॉल भी किया उठा नहीं रहे। मैडम पार्सल था, थोड़ा बाहर आइएगा। मैडम मैडम पार्सल था, थोड़ा बाहर आइएगा। सुनते ही नहीं है, भागो यार भागो भागो। ये पंखा किधर से बंद हो गया यार, बंद भी नहीं हो रहा है, देखता हूँ इधर से बंद हो जाएगा तो। पंखा के चलते शायद आवाज नहीं आ रहा है अंदर, अब आवाज शायद आ सकता है, जा सकता है। मैडम पार्सल था, थोड़ा बाहर आइएगा। मैडम कॉल भी नहीं उठा रहे हैं ना इसीलिए तो बाहर दिक्कत हो जाता है। बता ये दिक्कत होता है, भारी दिक्कत, कॉल ही नहीं उठाता है कस्टमर। तुमने पास रख देता हूँ फूल, देख ही सकता, मस्त लग रहा फूल पूरा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का एक पार्सल दे चुका हूँ, अब चलता हूँ आगे, एक पार्सल देना है ठीक है। और मेरा बैग देख ही सकते हैं बहुत सारा पार्सल अभी तक भरा हुआ है, भारी दिक्कत हो जा रहा है आज पार्सल बांटने में। चलिए चलते हैं ठीक है। दोस्तों यहाँ का एक पार्सल लेके आया था, 270 रुपये पार्सल था, पलक नाम से। किसका है? पलक 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 270 रुपये। आज दोस्तों पता नहीं क्यों पार्सल कोई ले ही नहीं रहे हैं, और फर्स्ट स्टॉप पर जब गया था ना तो पहला कस्टमर ही बोले कि नहीं लेना है ठीक है। तब से मतलब जब से पार्सल बांटना स्टार्ट किया ना, बस किसी के यहाँ जाता हूँ तो कस्टमर घर पे नहीं रहते हैं तो कोई रहता है। अच्छा चलिए कस्टमर आ गए हैं घर। पार्सल था 270 रुपये का, दे दिया हूँ अंदर, चलिए कम से कम कस्टमर तो आ गए। हाँ पार्सल दे दिया हूँ अंकल लेके अंदर। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का पार्सल लेके आया हूँ, दो पार्सल है ठीक है। और बरसात टाइम जब पार्सल लेकर आता था तो यहाँ पे जान नहीं बनता था, इतना कीचड़ भरा रहता था। और आज दोस्तों पता नहीं क्यों क्या हो गया है कि कस्टमर लोग ना पार्सल ले नहीं रहे हैं, और एक जगह जाके इतना देर तक इंतजार किया फिर भी कस्टमर निकले नहीं, आज ना भारी दिक्कत हो रहा है पता है पार्सल देने में। और मेरा बाइक को वहाँ पर छोड़ के आया हूँ, और देख ही सकते हैं इस घर का भी ताला ही बंद है, मतलब आज हो क्या गया हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखता हूँ तो चिल्ला के देखता हूँ इसी के अंदर से जाके। गेट तो बंद है, यहीं क्या है? अनिल कुमार ठाकुर 890 रुपये। हाँ ठीक, चलिए दोस्तों गेट बंद था मेरे को लगा ताला बंद था। हाँ चलिए दोस्तों, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पैसा मिला, क्योंकि जिनका पार्सल था वो बाथरूम में थे, नहा रहे थे ठीक है, और भैया बैठा के रखे कि बैठे रहो जब तक नहा के नहीं आ जाते तब तक पैसा नहीं मिलेगा। आज ना बस ऐसे फालतू फालतू टाइम वेस्ट हो रहा पता है, और मैं इतना दूर छोड़ के गया था अपना बाइक और पार्सल, कोई अगर उठा के ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर को भरना पड़ जाएगा, रिस्क रहता है पता है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई पार्सल लेके आया था अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का, पुलिस स्टेशन जो है सुरक्षा पद वहाँ का ठीक है। तो यहाँ पे बोले कि गार्ड हैं उनको देने के लिए,
गार्ड वाले भैया तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। भैया साकेत गुप्ता नाम से पार्सल था, 220 रुपये। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का पार्सल दे चुका हूँ, अभी चलता हूँ अगला स्टॉप पे और देख ही सकते हैं बहुत सारा पार्सल अभी तक मेरे बैग में भरा हुआ है। ठीक है, और कुछ कस्टमर तो आज पार्सल ले ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। मतलब पहला जो बहुनी हुआ था जिस कस्टमर से, एकदम ख़राब था आज का दिन। चलिए चलते हैं, देखता हूँ कितना जल्दी बांट पाता हूँ। ठीक है, फिर मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है सुई लगाने के लिए, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से बट जाए लेकिन बट नहीं रहा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ का पार्सल लेके आया था, ऊपर चढ़ के देना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। पार्सल था। तो चलिए दोस्तों आज का काम मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है, पैसा वगैरह जमा कर चुका हूँ और भी एक बोरी लोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसको भी पार्सल लेके जाऊँगा अभी। चलिए चलते हैं, सिल्फिली का पार्सल है, इसको देते हुए जाऊँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों घर आ गया था, अब जल्दी से नहा लेता हूँ, नहाने के बाद खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद फिर जाऊँगा सुई लगाने के लिए। और ये क्या देख रहा हूँ आज तो पानी नहीं है, जाता हूँ थोड़ा बोरिंग चालू कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों बोरिंग चालू करवा लिया हूँ। ठीक है, तो देख ही सकते हैं कितना तेज पानी जा रहा है। दोस्तों इसको भर लेता हूँ, भरने के बाद नहाऊंगा, नहाने के बाद जाऊँगा सुई लगाने के लिए। ठीक है, इस पार और इस पार लगता है, दो दो सुई लगता है, हालांकि ज़्यादा दर्द नहीं करता है। ठीक है, खराब है जोगिंदर, आज इतना पानी से नहा लेगा ना कि किसी ने सोची ना होगी, और दो दो सुई भी लगा लेगा। चलिए मोबाइल को रख लेता हूँ, पानी में भीग जाएगा। फिलहाल दोस्तों नहा धोवा के तैयार हो चुका हूँ, जा रहा हूँ हॉस्पिटल सुई लगाने के लिए, देखता हूँ मुनू जाके कि नहीं। ए छोटा बच्चा चल जाएगा घूमने के लिए, छोटा बच्चा जाओगे मेरे साथ? चलो जाओगे तो बोखा, चलो जाओगे तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुनिया जाओगे? चलो आते हैं हॉस्पिटल से सुई लगा के। तो दोस्तों आज मेरे साथ मुनू आई है, मेरे को सुई लगेगा इसलिए। ठीक है, डर लगेगा इसलिए मुनू मेरे साथ आई है ना मुनू? आपको लेकिन डर लगता है मेरे को। अच्छा, सुई मेरे को लगता है लेकिन डर इसको लगता है ना। कृपया जूता चप्पल यहाँ उतारे लिखा हुआ है वहाँ पे, उड़ के आ जाओ पंछी बनू। चलो यहाँ पे उतार दो, बोलना कि आज मेरे को ही लगाना है। चलो अंदर से जाओ, चलो चलो अंदर चलो। इधर जाना है किधर? कोई तो नहीं है, अभी लंच ब्रेक लगा है क्या? चलिए दोस्तों आ गया था हॉस्पिटल, अभी सुई लगाने के लिए। क्या हुआ मैडम, क्या बोले? लंच टाइम है। चलो ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से आ गए हैं सुई लगाने के लिए, है ना उन्हें? लगेगा सुई अभी, तुमको भी लगाना है।
दर्द किया नहीं किया ना। चलो चलो मैंने चलो 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 चलो। तो फाइनली दोस्तों सुई लग चुका है और आज वीडियो शूटिंग जो की है मैंने की है, पता नहीं कैसा बना है, देखेंगे चेक करेंगे। ठीक है, दर्द दे रहा है मनु? नहीं दे रहा ना? हाँ मैं रोता हूँ तो नहीं सुई लगाने पर। अच्छा हाँ, और मैं चाबी छोड़ के अंदर चला गया था। तो चलो बैठो, ये चलाओ गए बाइक चलाओ गए चलो बैठ जाओ कोई नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं अभी। चलिए दोस्तों मनु के लिए कुछ खरीद के देता हूँ। ठीक है, क्या चाहिए? बिंगो, बिंगो खाओगे? बिंगो, बिंगो खाओगे? बिंगो ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, ये अच्छा लगता है। 10 रुपया वाला एक तो मैं ले लेता हूँ। चलो इसको तोड़ दो। हाँ एक तो ले लो, एक निकाल, एक तो तोड़ दीजिए ना इसको, मुन में से निकाल दीजिए इसको। हाँ एक चीज़ और मुझे देख ले, मैं क्या लेगी। चना ना खाओगे? चना खाएंगे, तीखा बना रखा, नहीं खा पाओगे। देखो क्या लोगे, देखो चलिए चलिए। थोड़ा सा किनारे हो जाने यार, तुम लोग यार स्केट पे। ओ बच्चा देखो क्या लोगे, जाओ। क्या चाहिए? हाँ पढ़ दे, ये वाला लोगे बिंगो, ये वाला भी अच्छा लगता है। ये चाहिए, जेली चाहिए, पूरा डब्बा चाहिए, पूरा डब्बा चाहिए। यहाँ से निकालते हैं, निकालो यहाँ से, नहीं निकालते हैं, चलो इधर से ले लेते हैं। नहीं इधर से नहीं निकाल, राजू भाई यहाँ से थोड़ा चॉकलेट दे देंगे, लगा है पैर में। काटो चाहिए पूरा पूरा बाप रे, 10 ले रहा हूँ। ठीक है बस उसी को लोगे? नहीं निकलता है। चलो फिलहाल दोस्तों हॉस्पिटल से आ गए हैं और यहाँ पुलिया के पास रुके हैं और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, मुनु को दिखा रहा हूँ। ठीक है, गहराई है, मतलब मुनु को ना डर लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ही ऊंचाई है ना इसलिए। नहीं चलो बैठो। और ये सब लाए हैं अभी दुकान से खरीद के, जेली है और ये रहा क्या नाम है, एल्पेन लीबे, मतलब बचपन का चॉकलेट है। ठीक है, और ये रहा बिंगो, इसको सारा चीज़ को हम खाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम जेली से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जेली बहुत ही अच्छा लगता है। रुको रुको रुको, बाद में खाऊंगा मैं भी लूंगी, बाद में खाऊंगा वाला, इसको पहले खा लेता हूँ। अगर मुझे खोल दो खोलना। हाँ रे, तुमको तो खोलना भी नहीं आता है, छोटी बच्ची हो क्या जो एक जेली को खोलना नहीं आता है? खाके बताओ कैसा है। ये कुछ लगा ही, ये अमरूद वाला है ना, बिही वाला। हाँ खा के बाद छिलका अमरूद नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, उसकी आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, चलो कंपटीशन हो जाए, कौन ज़्यादा खा सकता है। चलिए दोस्तों, हमें यार मुनु कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, हालांकि मुनु एक तो खा ली है, मेरे से खून नहीं रहा। 3 बचा है, खोल के दो मुझे, खोल खोल के दो भाई मुझे खोल। ऐसा गेम कौन खेलता है जो खुद बोले खेल के दो तब मैं जीतूंगी, ऐसा खेल होता है कभी? मुझे खोलना ही नहीं आता।
हालांकि बहुत मजबूत लो। सच्ची में बहुत मजबूत है। जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ रहा है ना? एक दिन याद है हम लोग भी आम से कंपटीशन किए थे। आधा आधा खा खा के फेंक रहे थे। ये चॉकलेट जो है ना बाद में खाएंगे, ठीक है? फिलहाल दोस्तों जियाली कंपटीशन में तो मुनु हार चुकी है, ठीक है? अभी खाएंगे बिंगो, ठीक है? चलो खींचो खींचो, आधा फाड़ दिया हूँ, खींचो इसको, खींचो, ये खींचो 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 बेटा खींचो। कंपटीशन इसका भी है। दस रुपए का पैकेट में कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा है। और फाड़ो और फाड़ो मम्मी, और फाड़ो। चलो रेडी स्टडी एंड गो। हां हां चलो। मम्मा का कौन दो। चलिए दोस्तों बिंगो खा के बताता हूँ कैसा है, ठीक है? एक साथ में बहुत सारा ले रहा हूँ। ठीक ठाक है लेकिन उतना ज्यादा फ्लेवर नहीं है, सादा है ना। चलिए दोस्तों खा लिए हैं, चलते हैं घर से, ठीक है? तुम खाओ तुम खाओ। तो फिलहाल दोस्तों घर आ गए हैं और मुनु उतर नहीं पा रही है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को, ठीक है? इधर थोड़ा सा खा लेते हैं, मेरी जूठा वाला नहीं खाऊंगा इसको, इधर से खा लो उसको, खा लो, ठीक मिलते हैं शाम को। तो फिलहाल दोस्तों सुई लगाने के बाद मैं आराम कर ही रहा था लेकिन मुनु तो अपने घर गई थी, लेकिन दौड़ के आके फिर से मेरे पास। क्या हुआ था ना, अभी चॉकलेट लाई थी, चॉकलेट गिर गया था, मतलब कि बेटा गिर गया है, गिरा हुआ चीज को उठाया नहीं करते, तो जान उसको बोतल पानी वाला बोतल उसको भी गिरा दी, बोलते कि आप गिरा हुआ चीज उठाना नहीं है, उठाना नहीं चाहिए, नहीं उठा रहे थे, बहुत चलाक है। ले लूँ? नो नो का मतलब एस, एस का मतलब नो, इतने चॉकलेट ले लूँ? अच्छा छोटा बच्चा है क्या, छोटा बच्ची है क्या? अब छोटा बच्चा भी आ गया है, वो एक चॉकलेट खा लिया ना इसलिए गुस्सा के चले गए। जाओ तो उसको लेके आओ, हाँ बुला के लेके आओ, बोलो कि चॉकलेट रख दिए, बोलो बोलना कि चॉकलेट रख दिए है ना। जल्दी से जल्दी 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 तो फिलहाल दोस्तों अभी शाम हो चुका था तो मैं सोचा कि थोड़ा सा बांध कर फिर टहल के आ जाऊँ, हालांकि ताला बंद कर चुका हूँ घर का, ठीक है? चलता हूँ थोड़ा सा, आता हूँ बांध तरफ से घूम के, और घर में भी फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है? आता हूँ थोड़ा शाम के टाइम, हल्का हल्का ठंडी भी लग रहा है, चलता हूँ थोड़ा घूम के आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों शाम का टाइम है और हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा लग रहा है डूबता हुआ सूरज, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो का एंडिंग यहीं पे करता हूँ। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट करिएगा, और हाँ दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलता है कल एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।